उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में फेस्टिवल आगाज शुरू होने जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि काफी समय से पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है, इसके चलते 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मसूरी करने वालों का फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जिसमें खेलकूद कवि सम्मेलन के साथ उत्तराखंड के व्यंजकों को भी पर्यटकों के आगे परोसा जाएगा। भाजपा महानगर कार्यालय में कार्यकर्ताओं से लेकर सभी पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में भाजपा द्वारा आगे जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे उसके लिए सदस्यों से लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों मंडल अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षदों से भी कुछ धनराशि एकत्रित की जाएगी, जिसमें चंदे की धनराशि के लिए 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। यह चंदा 25 दिसंबर से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर लेना शुरू किया जाएगा। पिछले दिनों टिहरी जनपद के गांव गंगी में ढोल बजाने को लेकर कुछ दलितों पर वहां के लोगों ने अत्याचार कर मारपिटाई की और साथ ही दबाव बनाकर उनके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट भी कराई। इसी के विरोध में काफी समय से संवैधानिक अधिकार मंच के बैनर तले परेड ग्राउंड पर धरना देकर दलितों पर हुए अत्याचार के विरोध में धरना दिया जा रहा है। वहीं इनकी मांग है कि शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर दलितों पर हुए अत्याचार वालों को न्याय दिया जाए। कांग्रेस समन्वय समिति के दलितों पर हुए अत्याचार की घोर निंदा करते हुए भाजपा सरकार से आरोपी को शीघ्र कानून गिरफ्त में लेने की बात करते हुए कहा कि जहां एक और भाजपा सरकार दलितों के उत्थान की बात कर रही है, वहीं आज त्रिवेंद्र सरकार ने भी दलितों पर अत्याचार होने के बाद भी सरकार आरोपियों को पनाह दे रही है। इसके लिए कांग्रेस समन्वय समिति दलितों का समर्थन करेगी।